पी जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी साथ में दबा दो। बेल आइकन भूल रहे हो तो वो चीज मत भूलो, दबाई दो उसको, यानी मेरी वीडियोस का अपडेट है वो आपके पास आता रहे। ये देखो, ये लोग वो हैं जिन्होंने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठी हूँ और सब काम भी धीरे धीरे हो रहे हैं। कल एक काम वाली बाई ढूंढ के आई हूँ, वो मिल आज है तो अच्छा है आज। और अभी मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, ये ब्राउन ब्रेड और एक कॉफ़ी। और हाँ, मेरे वॉशरूम का जो नल था ना, वो वापस से टूट गया तो पानी बहे ही जा रहा है, क्या पता है इसको क्या हुआ है। दो बार तो ठीक करवा दिया, अब तीसरी बार ठीक कराना पड़ेगा इसको, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। ठीक, आफत आ गई, आज प्लम्बर आएगा, वापस से तोड़फोड़ करेगा, पूरे घर में मिट्टी करेगा। अभी खाना वगैरह सब हो गया है आज तो, और मैं शॉप पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा आज डिले कर रही हूँ, खुद ही डिले कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, मुझे पेट में और ऐसे दर्द हो रहा है इसलिए। तो अभी जाऊँगी शॉप पर, और अभी बज रही है 2:30 तो बज ही गई है, और थोड़ा रेस्ट भी दे रही हूँ बॉडी को, टैबलेट्स वगैरह सब लिए हैं। नेचर कॉल है इसलिए कुछ भी बोल नहीं सकते, अब जिसको प्रॉब्लम है उसको तो होनी ही है, यानी कुछ भी करके खुश रहना है, एक्टिविटी चालू ही रखनी है तो इसलिए। और मेरा तो काम है इसलिए मुझे तो करना ही है, तो अभी मुझे जाना है शॉप पर। आज तो मैंने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, यानी सामने से कॉल आए थे, मैंने मना बोल दिया क्योंकि तबीयत ही सही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। और कल का तो मैंने ले लिया है, कल एक मेकअप है सुबह उठते में, वो तो चलो कोई बात नहीं, कल तक तो मैं थोड़ी सही हो जाऊंगी इसलिए फिर कर सकती हूँ। तो अभी जाना है शॉप पर, चिकू को मैं कॉल कर देती हूँ, बालों को तो बांध दिया है, अब चिकू को कॉल करूँगी, चिकू लेने आ जाएंगे। और आज मेरी शॉप पर, यानी जो मेरा तो एक छोटा मोटा ड्रीम ही था, ऐसी चीज़ हुई है, यानी आज यानी मेरी शुगर का हमको बीए काउंटर तो मिल ही गया, पर आज प्रॉपर बीए काउंटर आ गया है, तो मैं उसका आज आपको बताऊंगी कैसा आया है। चिकू अभी गए शॉप पर, चिकू वहाँ पर भी काम करते रहते हैं, यहाँ पर भी करते रहते हैं, बेचारे बहुत थक जाते हैं पर तो भी मैनेज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मेरी भी मिल जाती है, पढ़ाई कर पाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, उनका काम ही ऐसा है ना, दौड़ भाग करने का। आज गाड़ी यहाँ तक लेने आ गई है, तबीयत क्या ख़राब है, पूरी सेवा दी जा रही है। ओके, अरे इतने ढूंढ के देंगे किया है बाहर पूरा शुगर का जो भी स्टॉक आया था उसको मेंटेन किया, और टेस्टर वगैरह जो भी थे उसको जमाया, बीए काउंटर आया तो उसमें भी सारा जमाया है। थोड़े दिनों के बाद थोड़ा सा बड़ा आएगा बीए काउंटर, अभी थोड़ा छोटा है इसलिए, तो क्यों ना अब बालों की केयर की ही जाए, क्योंकि बाल मैंने सोचा था कि बालों की भी मुझे अच्छे से केयर करनी है, और जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसके रिजल्ट्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने वॉश किया है तो तीसरा दिन तो हो गया, पर बाल बिल्कुल एक भी उतर नहीं रहा है, टच वुड उतर बिल्कुल भी नहीं रहा है बाल, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इसमें। और अभी मैं ज्योति के साथ फिर से ऑयलिंग करवाऊँगी, और कल बालों को वॉश यहीं पर आके करवाऊँगी, क्योंकि जो प्रॉपर वॉश होंगे, प्रॉपर ऑयलिंग होएगी तो उसका कंप्लीट यानी रिज़ल्ट दिखेगा। इसलिए मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ गुड हेयर का, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक तो, और 15 डेज़ में यानी अच्छे बाल, जो यानी मुझे डैंड्रफ वगैरह है और बाल बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है अभी बालों की कंडीशन देख के। तो अभी ज्योति कर रही है बालों में ऑयल, ऑयलिंग हो चुकी है, और अभी मैं कर रही हूँ मेरा नेल आर्ट, इस टाइप का मुझे बहुत अच्छा लगता है, आगे आगे वाइट और ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, क्योंकि अभी नेल्स मैंने वापस से बड़े करने स्टार्ट कर दिए इसलिए अच्छा लगेगा। तो इस हाथ में तो मैंने लगा दिया है, अब ज्योति लगा रही है, मैं फाइनल लुक आपको इसका दिखाऊँगी, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने दोनों हाथों में अच्छे से नेल आर्ट करवा लिया है, यानी नेल आर्ट तो क्या है, बस मैंने आगे आगे वाइट नेल पेंट लगवाई है और बाकी पूरी ट्रांसपेरेंट लगवाई है,
जिससे अच्छे लगते हैं ना, मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है। मैं पहले ये वाला ही नेल आर्ट करती थी क्योंकि मुझे वाइट जो नेल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए, और बालों में ऑयलिंग भी कर दी है आज, थोड़ा खुद को पैम्पर ही किया है यानी, और काम भी बहुत किया है। चलता है, कोई बात नहीं, काम तो फिर थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है ना, घर का तो लगभग सब हो गया। आज गाँव वाली बाई भी आ गई थी इसलिए, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, काम वाली बाई आ गई इसलिए तो अरे कितना काम उतर गया मुझे, यूँ हो रहा है। तो थोड़ी देर में बस ये अभी घर जाऊँगी, अभी बज रहे हैं 6:30, तो 7 बजे की तब तक तो बैठती हूँ। शॉप का क्लोजिंग टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर अब पूरा कंप्लीट सब बंद करके फिर जा रही हूँ। ये ज्योति ने दोनों बाहर रखते हैं ना, ये वाली मशीन तो अंदर ले आई है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर वाली शॉप पर, थोड़ी देर बैठूँगी फिर चिकू को कॉल करूँगी, चिकू लेने आ जाएंगे। अभी आ गई हूँ घर पर, और घर पर मेरा एक पार्सल आया था एंड मुझे भी पता नहीं था कि मेरे लिए एक पार्सल आ रहा है। चिकू ने मंगवाया था पर्स, और ये एक ही नहीं है, ये है, और मैं इसके साथ दो जो है वो भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है, कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चिकू ऐसे सरप्राइज करते रहते तो मज़ा आता है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, इसके अंदर एक और है। दो स्लिंग बैग है और एक डायरेक्ट हैंड बैग है, तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी चीज़ है। यानी मेरे रोज़ में यूज़ होने वाली चीज़ है इसलिए अच्छी है, अच्छी चले तो बढ़िया है, और बजट में है, एकदम ऑफ में मिल रहा था ऐसा कुछ कह रहे थे चिकू, इसलिए मैंने ले लिया। चलो अच्छा है, इतना काम तो किया मेरा, और पर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मुझे इस टाइप की न्यूड कलर ही अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा मेरे ट्यूटोरियल्स में भी मैं न्यूड कलर ज़्यादा, यानी लिपस्टिक का, आई शेडो का वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूड नेचुरल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल नहीं पसंद है। आज डिनर में बन रहा है पराठे और बेसन, और ये फ्राई राइस, इन सबका कॉम्बिनेशन साथ में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, बनाई है पूड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पराठे, बेसन और फ्राइड राइस, तो ये सब खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं ये खाना वगैरह सब खाकर फ्री हो गई हूँ, जैसे कि अभी मैं सोने ही जा रही थी और चिकू ने बोला कि तुम्हारे लिए एक और नई चीज़ आई है। नई चीज़ यानी क्या बोल सकती हूँ कि अच्छा मेरे काम की चीज़ है, ऐसा मुझे बोला है। तो चलो खोलते हैं उसको, क्योंकि ये बताते तो है नहीं क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, आती है फिर बोलते हैं अनबॉक्स करो लो तुम्हारे व्लॉग में, तो चलो अनबॉक्स कर देते हैं। चॉपर मंगाया है, खराब हो गया था इसलिए। ओके, पर तुमने अच्छा नहीं मंगाया, ये कोई गणेश करके ब्रांड है, सेलो का या फिर मिल्टन का मंगाते ना, मेरे को क्या पता इसके ब्रांड होते हैं नहीं, जल्दी खराब नहीं होते, पर इसके क्वालिटी सेलो का भी हो ही गया खराब, क्वालिटी का टाइम चला। हाँ क्वालिटी तो अच्छी है, फिलहाल सही है क्वालिटी। अच्छा, इसमें लॉक वॉक का कुछ सिस्टम नहीं है? होगा लॉक का, जैसे कि उसमें नहीं घुमाना पड़ता था इसमें, यानी ऐसे ही सिर्फ ऊपर, ऐसे कुछ घुमाने का नहीं। अच्छा। वाह, अभी तो ये कटर उड़ के मुंह पे लग जाता पता है, इसलिए इसको है ना ये ऐसे ऐसे ही सेफ है, उसको हाथ में रख के करते थे उसमें तो मैं ये ऐसे कर करके भी कर देती थी, यानी चलो काम करती हुई हाथ में रहता तो भी चल जाता था, अब इसमें तो यानी ऐसे ही करना चाहिए, पर वो
काम करते करते भी चल जाता था। अब इसमें जैसे करो दिए मुंह पे खट्टा के आंखों में घुसे, वो स्पिनर वाली चीज हो जानी, नए नए स्पिनर रहते कहीं आंखों में चाह रहे हैं और कुछ वो हो जाता। पर बात चलो काम आ गया, ये आजकल वैसे ही जरूरत बहुत पड़ती है, बहुत काम आता है ये सब चीजें काटने में। अब वो खराब हो गया था, फोड़े पड़ गए थे मेरे, फोड़े यानी वांदे है। चलो मेरे रोज के व्लॉग में आपको एक एक चीज का अनबॉक्स मिल ही रहा है, लगभग कुछ ना कुछ मेरे पार्सल्स आते ही रहते हैं और आएंगे, क्योंकि आपके सामने ही मैंने कल शॉपिंग की है मेरी बहुत सारी साड़ीज की, तो चलो आएंगी एक एक मैं आपको बताऊंगी। बस ये मैं फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि एक भी मुझे रिटर्न नहीं करनी पड़े, क्योंकि दो तीन जो साड़ीज है वो चिकू ने जिद करके मंगा दिए, पर मुझे थोड़ा डाउटफुल है उसके कपड़े में, तो आएगी फिर देखेंगे उसमें कैसी आती है आपको बताऊंगी। और उनमें कुछ पे तो आपके आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, लड़कियों को ज़्यादातर, लड़के चाहो तो नहीं कर सकते हो साफ सी बात है। तो यही सब चीज़ें मैं बता रही थी और कुछ कुछ और शॉपिंग्स कर। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, मैं मेरे यूट्यूब के एनालिटिक्स देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी ये देखो ये लोग वो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिगर सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, और ये लोग जो सब्सक्राइबर कर रखा है बहुत अच्छा है, इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, कर लो कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब का प्रॉपर यूज़ करो। और ये देखो ये है जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबा रखा है और इन लोगों ने नहीं दबा रखा है, तो आप दबा लीजिए, देखो ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है यानी। और ये देख के तो मैं शॉक ही हो गई, यानी मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कम है देखने वाले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई चार्जेस नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लग रही है तो, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और वीडियोज़ बना रही हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी ही जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी साथ में दबा दो, बेल आइकन भूल रहे हो तो वो चीज़ मत भूलो, दबा ही दो उसको, यानी मेरी वीडियोस का अपडेट है वो आपके पास आता रहे। तो चलो ये चीज़ मैं देखूंगी कितने दिनों में चेंज हो रही है, तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, बाय।